अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पिज़्ज़ा बैक होके निकल चुका है और ये ज़बरदस्त कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल, और चीज़ के जो है वो बहुत अच्छी मेल्ट हो गई है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया ऊपर से। और ये हमारे जो है बन भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो भाई आप लोगों का वेलकम हो गया वापस से महविश के जहाँ के अंदर। और अभी मैं इतने दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ और अभी है जुम्मे का दिन, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। अभी लोग तैयार हो रहे हैं, फिर देखते हैं ये लोग तैयार होंगे कैसे लगेंगे, और फिर अभी बहुत देर हो गई नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अभी जाना है, तो चलें देखते हैं। Approximately 10 hours later. तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि बच्चों के जो है वो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और यहाँ पर फैदर जो है अपना पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। फैदर कितना रह गया? अभी बस दो पेज रह गए। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट करो, लिखाओ तो मैं देखती हूँ। हाय करो। सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कल कौन सा पेपर है आपका? कल उर्दू ग्रामर का। और बाकी पेपर कितने अच्छे हुए आपके या बुरे हुए, कैसे हो रहे हैं पेपर? बहुत अच्छे। कैसा रिजल्ट आएगा आपका? मेरा 100 out of 100 इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं? चलो ठीक है। करो टेस्ट दो। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये दोनों पढ़ रहे हैं, लोगों को अलग अलग बिठाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लें। ये यहाँ पर एक वालेकुम सलाम। वालेकुम। कितनी तैयारी हो गई? बस होने वाली है, अभी तो शुरू कर रहा हूँ, शॉर्ट करेंगे उसके बाद। चलो बेटा फटाफट स्पीड दिखाओ सही। चल झूठा। 5 minutes later। ये देखें, मैंने यहाँ पर जो है ना चिकन जो है छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए थे इसके, और ये मैं तैयारी करने लगी हूँ पिज़्ज़ा की जो है प्रिपरेशन के लिए। और ये मैंने दही इसमें ऐड किया, लहसुन अदरक डाला, और जो है थोड़ा सा टिक्का मसाला इसमें ऐड कर दिया, और जो है थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची डाली मैंने, और मतलब सारे मसाले डाल के और अच्छे से मैरिनेट कर लिया। अब बस उसको फ्राई पैन में इसको मैं करने जा रही हूँ। ये इसको पकाएंगे, ड्राई करेंगे, इसका पानी खुश करेंगे और इसको भून लेंगे। अच्छा सा इसका जो है वो चिकन हमारा तैयार हो जाएगा। बस फिर यहाँ पर देखे, मैंने ये पिज़्ज़ा की जो आटा है ये मैंने करके तैयार करके रखा हुआ है यहाँ पर, और ये जो है बस अब बस चिकन तैयार हो जाए हमारी, उसके बाद फिर इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो बस बंदे रहिएगा और बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना है वीडियो। ये देखें, यहाँ पर मैंने जो चिकन बनने रखी थी, पानी ड्राई हो गया इसका, और ये देखें ये तैयार हो गई है। अब हम इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं।
अच्छा जी देखें यहाँ पर जल्दी जल्दी फटाफट जो है अब तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। अच्छा यहाँ पर देखें आटा कितना ज़बरदस्त सा हमारा बबल्स जो है वो बन गए हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा सा हमारा आटा प्रूफ हो गया है। देखें कितना अंदर तक जा रहा है ना। ठीक है, मैंने इस पर हल्का सा ऑयल लगा दिया था। अच्छा यहाँ पर एक अंडा मैंने यहाँ पर जो है ना वो फेंट लिया है। ये सफ़ेद तिल नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें कलौंजी है, और इसके अंदर जो है ये मैंने पिज़्ज़ा बन की जो ट्रे है ये तैयार कर ली है, ग्रीस कर ली है, मैंने ऑयल लगा लिया अच्छा सा ताकि चिपके नहीं। और ये जो है यहाँ पर इसकी स्टफिंग तैयार कर ली है, इसमें मेयोनीज वगैरह और जो सब चीज़ें मैंने डाली थी तो वो आपने देखा। तो बस अब जो है जल्दी से इसको स्टफिंग हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा आटा कितना अच्छा तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छे से प्रूफ हो गया है और कितने अच्छे इसमें बबल बन रहे हैं ना। तो बस ये अब रेडी है और अब हम करते हैं इसकी जल्दी से प्रिपरेशन। और यहाँ पर मैंने ये कर लिया है, इसको मैं कर देती हूँ साइड में। ठीक है, और ये बहुत मज़े का जो ना हमारा ये बैटर तैयार हुआ है, बिल्कुल ड्राई है, लिक्विड ही होगा ना तो फिर बेक होने में ना मसला होता है, फिर जो है ना वो निकलना शुरू हो जाती है उसकी स्टफिंग, तो हमें थोड़ा सा उसको ड्राई रखना पड़ता है ना। ठीक है, अब जो है चिकन यहाँ पर मैंने बॉयल करके इसमें जल्दी से सारे मसाले डाल दिए। अब मैं जल्दी से छोटे छोटे हम पेड़े बनाएंगे, छोटे छोटे सी बॉल्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी आप लोगों पर डिपेंड है कि आप इतने बड़े साइज़ के रखने हैं, मैं नॉर्मल जो है ना वो मीडियम साइज़ तो वो सही रहते हैं, बच्चे आराम से खा लेते हैं शौक से। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पर मैंने तमाम जो है ना वो यहाँ पर बन तैयार कर लिए हैं, इतने तैयार कर लिए हैं अभी फिलहाल कि जितने इसके अंदर पैन के अंदर आ जाएँ। ठीक है, ये बराबर बराबर से सेटिंग करके गोल गोल घुमा के रख देंगे, खुद ही सेटिंग इसकी होती चली जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमने हल्का जो हमने अंडा सा जो है यहाँ पर फेंटा था, ठीक है, तो हल्के हाथों से ना उसको ब्रश की मदद से और यूं लेके और उसको लगाते जाएंगे। तो ये मैं ज़रा पीछे कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए सही, है ना, सही से नज़र आ जाएगा यहाँ पर तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, हल्के हाथों से बिल्कुल ना हल्का हल्का इस पर लगाते रहेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो है ऊपर से बहुत खूबसूरत सा हमारा कलर आ जाएगा, जब ये बैग ऊपर निकलेगा फिर आप लोग देखिएगा कितना अच्छा इसका पर अंडा लगाने से ना। पिज़्ज़ा तैयार करने लगी हूँ, और ये देखें मैंने यहाँ पर इसकी जो है ना वो तैयार कर ली है, इसकी डो फैला के बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाया पहले नीचे, और जो है फिर हमने इसको एक छोटा पेड़ा बना के उसको पूरा फैला लेना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है पिज़्ज़ा की डो रेडी हो गई बिल्कुल, और मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ा भी है इसको ताकि इसकी अच्छी सी प्रूफिंग हो जाए। ठीक है ना, तो बस अब ये मैं कर चले हाथ के हाथ में जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा ही बना लूँ फटाफट। तो बस इसको हम लेंगे यहाँ पर फोक, और इससे हम हल्का हल्का सा इसको जगह जगह से हम लोग ब्रेक कर लेंगे ताकि हमारा जो ये मसाला है और अंदर तक चले जाए बिल्कुल। अच्छा मैं यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा की सॉस जो है वो ख़त्म हुई हुई आज ना, तो मैं यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, इससे भी काम चल जाता है। और हल्का सा जो है मैं चिली सॉस में ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा चिली जो है ना वो फ्लेवर आ जाएगा। बस इसको आपको नज़र रखना होगा यहाँ पर, नहीं आना होगा। अच्छा ये यहाँ पर ना मतलब पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार कर ली है, प्याज और शिमला मिर्च सिंपल, और इतना मैं वो कॉर्न वगैरह मैं नहीं बना रही मेरे को भी गार्लिक, क्योंकि वो बस को अच्छे से हम इसको फैला लेंगे। ठीक है, इसको फैलाने के बाद ये
जो है फैला लेंगे इसको यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये फैला लिया बिल्कुल, ठीक है। और अब यहाँ पर हम डालेंगे जो चीज़ यहाँ पर बच गई थी, तो ये मैं यहाँ पर कुछ कुछ डाल दूँगी और ऊपर तो से भी जो है बारीक चॉप हुई भी, और जो है ना वो मूढ़ी मूढ़ी जो है प्याज खिलाती है मूढ़ी में, फिर खाते नहीं है बच्चे ना, तो मैं बिल्कुल बारीक चॉप कर लेती हूँ ताकि वो आराम से खा सकें। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पर मैंने ओरिगानो जो है मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म में था तो मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि खत्म हुआ है तो ये देखिए इतना ओरिगानो लग गया यहाँ पर। और ये है रोज़मेरी जो कि पिज्ज़ा के लिए मेन इंग्रेडिएंट है, हल्का सा फ्रेश कर लेते हैं हाथ से और फिर डालते हैं। अच्छा मज़ेदार सा इसका पूरा फ्लेवर आ जाता है, बहुत मज़े का मुझे ये होता है, ज़्यादा भी नहीं डालना होता है वरना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसके ना। अच्छा ठीक है, पिज्जा कितना खूबसूरत लग रहा है, शानदार लग रहा है। और अभी ये इसकी टॉपिंग बाकी है, तो ये देखें यहाँ पर गाइस क्या मज़े का लग रहा है, इतना खूबसूरत जो है ना वो हमारा पिज्जा यहाँ पर रेडी मैंने कर लिया है। अब बस मैं इसको करने लगी हूँ बैक करने जा रही हूँ। क्या ज़बरदस्त इसकी टॉपिंग, कितनी मैंने ज़्यादा जो है ये देखें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर पिज़्ज़ा बन जो हमने तैयार किए थे और ये बेक हो गए निकल चुके हैं, कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। और मैंने ज़्यादा बेक नहीं करे वरना बहुत ज़्यादा फिर हार्ड हो जाते हैं, तो बस जितना मुझे करना था हल्का सा ऊपर कलर देना था दे दिया। अब उसके बाद जो है हल्का सा उसको ग्रीस करना होता है, मक्खन या तो आप ले लें बटर की आप लेडिंग कर दें, मैंने तो यहाँ पर मक्खन लगाया है, चाहे तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, तो उससे ये कि बिल्कुल ये सॉफ्ट रहेंगे बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। तो ये मैं आपको दिखाऊँ गर्म बहुत हो रहे हैं, तो बस अभी ये देखो यहाँ पर तैयार हो गए हैं और पिज़्ज़ा बस अभी बनने रखा हुआ है मैंने, वो तैयार हो जाएगा फिर वो भी दिखाती हूँ आपको। तो ये कैसे लग रहे हैं भाई हमारे बर्गर बन पिज़्ज़ा बन, तो ये आप लोगों ने कॉमेंट में ज़रूर बताने हैं। ये देखें भाई, ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं ना भाई, बाहर के मज़ा आ रहा है, गरम गरम बस खाने का होता है ये। तो भाई ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बेक होकर निकल चुका है और ये ज़बरदस्त कितना अच्छा लग रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल और चीज़ के जो है वो बहुत अच्छी मेल्ट हो गई है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया ऊपर से। और ये हमारे जो है बन भी तैयार हैं, तो बस अभी और ये वाला मैंने जो है ना बना के रख दिया, अब ये वाला मैं बैक करूँगी, बस एक एक बन के करके निकलती जाएंगी बनाते रहूँगी। और बहुत टाइम जो है ना अच्छे लग रहे हैं भाई आपको, तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है ना। ब्रैन कैसे लग रहे हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं भाई, है ना जी। कितने खाओगे तुम पिज़्ज़ा, जितना आप देंगे खा लेंगे। कितने दूँगी मैं तो खाली, बस एक पीस दूँगी, आप कितने खाओगे। बारह और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये देखें मैंने यहाँ पर ना ये वो हल्का सा मक्खन जो है ना वो लगाया ना ग्रीस करा इसको, तो कितने खूबसूरत शाइन आ गई है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया ना। तो बस अब ये अल्हम्दुलिल्लाह डन है खाने के लिए, टन टन हमारे पिज़्ज़ा डन है। अभी किचन बहुत मैसी हो रहा है, अभी मैं इसको फटाफट समेटती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पिज़्ज़ा भी हमारा बनके तैयार हो के निकल चुका है, और ये देखें डो इसकी कितनी ज़बरदस्त प्रूफिंग हुई है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना इसके डोनट बना लूँ। अभी मेरे पास जो है ना बचा हुआ है थोड़ा सा आटा भी, तो एक पिज़्ज़ा अभी मैं थर्ड पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ, ठीक है ना। तो ये आप लोग बताएँ देख करके, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो इसकी जो है ना क्रस्ट तैयार हुई है, बहुत मज़ेदार लग रहा है।
तो ये देखें चीज़ भी कितनी अच्छी जो है ना वो मेल्ट हो गई है, ऊपर से कलर भी बहुत शानदार आया है। तो बस हम बना बना के निकाल रहे हैं पिज़्ज़ा अपने, और अगर आप लोगों को खाना है तो भाई आप लोग आ सकते हैं मैरिज के जहाँ में। ओके जी, तो यहाँ पर देखें मैंने थर्ड पिज़्ज़ा भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह वो रख दिया है पैक होने के लिए। अब मैं यहाँ पर देखें छोटा सा मेरे पास ये पेड़ा बचा है, बाकी तमाम चीज़ें मैंने बना बना के वो कर ली हैं, बन भी जो है वो तैयार हो गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर छोटा सा एक पेड़ा जो है ना बच रहा था, मैंने कहा क्या करूँ मैं इसका, पिज़्ज़ा बनेगा नहीं पूरा, तो मैंने सोचा कि इसको मेरे पास एक ये वाला पैन है, देखें इस तरह से इसको फोल्ड कर देते हैं और ये इसको फिर इसको अगर एक साइड हो जाए तो फिर दूसरी साइड से भी पलट देते हैं। बेसिकली ये तो खैर सैंडविचेस में बनाती हूँ उसके अंदर बच्चों के लंच के लिए, तो मैंने उसके लिए ये वाला रखा हुआ है। नॉन स्टिक के बहुत मज़े के बनते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं, सैंडविच बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ना। सो यहाँ पर मैं अब करने लगी हूँ, उसके अंदर बनाने लगी हूँ छोटा सा एक पिज़्ज़ा ब्रेड, मैंने कहा लंबी सी वही इसमें आ जाएगी छोटी सी, और थोड़ी बहुत तो है स्टफिंग भी बची मेरे पास और चीज़ भी बची हुई है, तो मैंने सोचा कि चलें मैं इसके अंदर अपनी पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार कर लेती हूँ, ठीक है ना। सो अब जो है बस लास्ट मेरा ये रह गया है और फिर सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। ओके, अच्छा मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से जो है ना उसको असेंबल करूँगी। देखें यहाँ पर ये जो है मैंने कुछ भी जो है ना बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें घर में ही जो है मुझे मिल गई थी, और जो है ना वो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी होती, तो फिर इसलिए हमने जो है क्या सोचा कि थोड़ी सी चिकन मेरे पास बच गई थी, कि थोड़ा सा मेरे पास ये शिमला मिर्च भी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं इसको वेस्ट नहीं करती हूँ, उसी को मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। मैं उसी को मैंने निकाली, फटाफट कटिंग कर ली और स्लाइस में मैंने जो है वो प्याज कट कर ली है, और बस अब मैं इसका पेड़ा बनाऊँगी छोटा सा, और छोटा सा पेड़ा बना के इसमें असेंबल करूँगी, और सारी चीज़ें जितनी भी मेरे पास छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं ना उन सबको मैं ठिकाने लगा दूँगी। तो देखिएगा कितने मज़े की ज़बरदस्ती हमारी ये वाली चीज़ बन के तैयार होती है, तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, लास्ट तक ज़रूर देखना है हम मेरा ये वाला आखिरी पिज़्ज़ा जो मेरा बन रहा है सो किस तरह बनता है ये आप लोग देखिएगा। तो जी ये देखें यहाँ पर मैंने ये तैयार कर लिया है और ये इसके अंदर पूरा फिक्स आ चुका है, ये देखिए इस तरह नज़र आ रहा होगा आपको, और ये मैंने बहुत हद तक कोशिश करी है कि मैं इसमें फिक्स कर सकूँ, थोड़ी सी जो है ना वो लंबी हो गई थी तो मैंने यहाँ से ना फोल्ड कर दी, और बस ये अब देखें यहाँ पर ये पिज़्ज़ा ब्रेड हमारी कटिंग करके मैंने किस तरह से सेटिंग करी है इसकी। सो जो है अब इसको मैं बैक करने रख रही हूँ हल्की इसी आँच के ऊपर बिल्कुल, और इसको बंद कर दूँगी, फिर जब एक साइड हो जाएगी फिर मैं किस तरह पलट दूँगी, ठीक है। सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए।